साइंस पार्ट टू क्लास एट चैप्टर है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप वीडियो को देख पाएँ, ठीक है, छूटे ना कोई वीडियो। तो चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्तु को देखते हैं, इनमें से कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, इनका अवलोकन कीजिए, ये किन पदार्थों से मिलकर बना है। तो हम लोग अवलोकन करना है, पता लगाना है कि ये जो चीज़ें हैं जो कि फ़ोटो या पिक्चर दिया हुआ है, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जैसे कोयला है ना, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि फ्रेफेन, जैसे कि ये हार, जैसे कि ये फैंस, जैसे कि चेयर, जैसे कि ये डब्बे, जैसे कि ये वायर्स, जैसे कि ये टूल, ये सारे चीज़ किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी चीज़ से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में हम लोग विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, तो यहाँ दिया हुआ है अलग अलग तरह का प्रकार का जो पदार्थ होते हैं उनसे बना हुआ वस्तुओं का फोटो चिपकाया गया है, ठीक है, लगाया गया है। निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली जगह में उस प्रकार के कुछ और पदार्थों का नाम जोड़िए। जैसे यहाँ बोला जा रहा है एल्युमिनियम और तांबा दिया है, तो इसी प्रकार का और भी चीज को यहाँ पर आगे जोड़ना है। तो ये एल्युमिनियम तांबा है ना, लोहा आयरन एक ही चीज़ होता है, ठीक है, सोना है ना, सिल्वर, ये सारा चीज़ क्या है, सब एक हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ये सारा चीज़ जो है ना, ये हम लोग का धातु के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अलावा रबड़ लकड़ी प्लास्टिक है ना, और ये और भी चीज़ होते हैं जो कि अधातु होता है, जो कि हम लोग इसमें डिस्क्राइब से बहुत ही डीपली हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या इन पदार्थ के गुण एक समान होते हैं? तो जब ऊपर देखें, क्या सबका गुण एक समान था? इन पदार्थों के नाम नीचे सारणी में दिए गए गुणों के आधार पर अंकित कीजिए, ठीक है। तो इनका हमको नाम लिखना है और नीचे गुण दिया हुआ है, उनके आधार पर हमको पदार्थ का नाम बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो गुण है, पहला कॉलम में आपको गुण मिलेगा, दूसरा कॉलम में आपको पदार्थ का नाम लिखना है, तीसरा में गुण है, चौथा में पदार्थ का नाम लिखना है, ठीक है। चमकीला, तो चमकीला कौन सा पदार्थ होता है? सोना चमकीला होता है। पीटने पर फैलने वाला कौन होता है? पीटने पर फैल जाए, लोहा। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, लोहा। तन्यता, खींच के बहुत पतला धागा जैसा हम लोग खींच सकते हैं, तो किसको कर सकते हैं ऐसा? हम लोग सोने को कर सकते हैं, गोल्ड को, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धातु में, कॉपर में, जिंक में, ये सारा चीज़, ठीक है, ये सारा हम लोग भर सकते हैं। चमकीला नहीं होता है, कौन चमकीला नहीं होता है? अधातु जितने भी हैं चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। पीटने पर फैलता नहीं है, अधातुएँ होती हैं। एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरा गर्म नहीं होता है, जैसे लकड़ी को जलाएंगे एक सिरे पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, ठीक है। तन्य नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को खींचा नहीं जा सकता है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्लास्टिक में, लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना, रबड़ में, ये सारा चीज़, तो ये सब लिखना है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि सारणी 2.1 के पहले भाग में लिखे गए पदार्थ को धातु कहते हैं। तो जो सारणी में लिखे थे जितने भी पदार्थ हम लोग लिखे होंगे सारणी में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम इसको पदार्थ बोलेंगे। देखिए, यह सारणी का बात किया जा रहा है, सारणी का ये जो भाग है, ठीक है, ये सारा, तो इसको हम लोग क्या है, पदार्थ का भाग है। एक सेकंड रुकिएगा। तो सारणी 2.1 के पहले भाग में लिखे गए पदार्थ धातु कहलाते हैं, ठीक है, कहते हैं, जबकि दूसरे भाग में लिखे गए पदार्थ अधातु है। तो एक साइड जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ कॉलम है वो धातु का कॉलम है, दूसरे साइड का जो कॉलम था वो अधातु था। आइए इन भौतिक गुणों के विस्तार से हम लोग जानते हैं। तो जो भी भौतिक गुण था, जैसे क्या था पहला में, धातुओं के भौतिक गुण, दिखावट, दिखने में कैसे दिखते हैं, ठीक है। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का, तांबा कुछ अलग लाल जैसा रंग का होता है, ठीक है। तो बताया गया धातु तो सामान्यतः भूरे रंग के ही होते हैं, लेकिन जो है ना इसमें से कुछ, जैसे कि सोना है ना, सोना का अलग कलर ही गोल्ड कलर होता है, पीले रंग का होता है सोना। इसके अलावा क्या है, तांबा का कलर रेड कलर का होता है, इसके अलावा सब भूरे रंग के दिखते हैं, ठीक है, लगभग लगभग।
भौतिक अवस्था देखते हैं, दिखावट हम लोग देख लिए कैसा दिखता है वो लोग, है ना। अब भौतिक अवस्था क्या है, अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, जैसे लोहा, जस्ता, टीन, तांबा इत्यादि। तो बोलो लोहा कमरे ताप पर, कमरे ताप पर कहने का मतलब है ना, जैसा हम लोग अभी हैं, ठीक है, अभी हम कहीं कहीं बैठ के वीडियो को शूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम रूम टेम्परेचर में ही हैं, ठीक है। तो हम लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी को रूम टेम्परेचर जनरली बोला जाता है। तो इस टेम्परेचर में उसका अवस्था कैसा होना चाहिए, लोहा, जस्ता, टीन, तांबा, ये कैसे होते हैं, सब ठोस होते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि धातुएं जो अधिकतर धातुएं होती हैं, मतलब मैक्सिमम सारे, है ना, कुछ को छोड़ के सारे धातुएं कैसे होते हैं, ठोस होती है, कठोर होती है। अपवाद में अगर बात करेंगे कौन ठोस नहीं होता, तो पारा का बात करेंगे तो पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो पारा को आप द्रव अवस्था में भी देख सकते हैं। सोडियम और पोटासियम मुलायम होता है, जिसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो हम लोग का आंसर सिंपली क्या होगा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम लोग मुलायम होने के कारण चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम और पोटासियम ऐसा धातु होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी धातु होंगे कठोर और ठोस होंगे उनको हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर दिखाया गया है सोडियम रखा हुआ है जिसको चाकू से काटा जा रहा है, ठीक है, आसानी से काटा जा सकता है, मुलायम धातु है, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम तीसरे प्रॉपर्टी में आते हैं, चमक, ठीक है। तो सामान्यतः धातुओं में चमक होती है, इसे धातु चमक कहते हैं। तो सामान्यतः जो ज़्यादातर धातुएं हैं उसमें चमक होती है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ अपना चमक होता है। आघात वर्ध्यता, मतलब पीटने पर वो क्या करे, पीटने पर बिना ये टूटे, ठीक है। धातुएं आघात वर्ध्यता होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे पतली चादर और पात्रों में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ये सारा क्या है ना, कि देखिएगा कि इसको हम लोग अलग अलग डिजाइन का ये हार वगैरह बनाते हैं। तो यही कारण है कि इनको बना पाते हैं, क्योंकि इसमें अघाध वर्ध्यता बहुत ज़्यादा होता है, इसको पीटने ठोकने पे ये टूटते नहीं है बल्कि फैलते हैं, ठीक है ना। ये सारे पिक्चर में आप देखिए, धातु में अघाध वर्ध्यता मतलब दिखाया गया, देखिए जैसे कि हम लोग नेल को, है ना, एक कांटी को पीट रहे हैं थोड़ी से, लेकिन टूट नहीं रहा, क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ को बोलेंगे अघात। तन्यता क्या होता है, धातुएं लचीली होती हैं, इसी कारण धातुओं को पतले तार से भी खींचा जा सकता है। चांदी, तांबा और सोने बहुत अधिक लचीले होती हैं धातुएं हैं, ठीक है। तो बताया गया तन्यता मतलब किसी भी धातु को खींच के हम लोग क्या कर सकते हैं, तार की जैसा लचीला बनाया जा सकता है, ठीक है, पतला। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन पतला किया जा सकता है, चांदी, तांबा और सोना, इसको बहुत ही पतला तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये धातु में सबसे पतले इन्हीं को खींचा जा सकता है। तांबा का तार, तो यहाँ पर देखिए फोटो वगैरह में तांबा का तार दिख रहा होगा, ठीक है। धन्यात्मकता क्या होता है, धातु धन्यात्मक होती है, इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने पर, बजने पर ये मधुर गुंज देती है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग पीटा जाएगा तो मधुर गुंज दे, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि स्कूल में आप जाते हैं, ठीक है, आप विद्यालय में बजने वाली तांबे की घंटी को उपयोग करते हैं, ये इसी गुण के कारण गूंजती है। तो जिस उसमें हम लोग किसी चीज़ से मारते हैं तो वहाँ टन टन की आवाज़ जो आता है उसी को बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, उष्मान का चालक होना चाहिए, ठीक है। तो उष्मा का चालक कैसे होगा, धातु में उष्मा की अच्छी सुचालक होती है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग खाना बनाने वाला बर्तन, तापन तत्व आदि के रूप में किया जाता है। तो जो भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उसमें हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, धातु का यूज करते हैं, क्योंकि इनमें ना उष्मा धारण क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है, जल्दी से गर्म हो जाते हैं। विद्युत की सुचालकता है ना, ये लाइट में भी आसानी से पास हो सकते हैं, लाइट भी इससे आसानी से पास हो सकता है धातुओं से। तो धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, यही कारण है कि बिजली के तार, तांबे जैसे धातुओं से बनाए जाते हैं। कुछ धातु एक दूसरे को धातुओं की तुलना में विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देती हैं, जैसे चांदी एवं अन्य धातुओं की अपेक्षा आसानी से प्रवाहित होने देती है, ठीक है। तो चांदी एक ऐसा धातु है ना जो कि लाइट को आसानी से प्रवाहित होने देता है, लेकिन हम लोग चांदी का वायर नहीं बनाते हैं, जानते हैं बहुत ही कीमती हम लोग का धातु है जो कि आसानी से मिलता नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग तार के रूप में यूज नहीं करते हैं। हालांकि हम लोग दूसरे
दूसरे तार जो बनते हैं वो भी धातु ही होते हैं, और वह धातु का हम लोग यूज करते हैं, सिल्वर और एल्युमिनियम का ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो तांबा, चांदी और एल्युमिनियम और सोना सभी धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं, बहुत ही अच्छी सुचालक होती हैं, और इन सब में सोना, इन सब में सबसे ज़्यादा चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही उष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं, यानी ये जल्दी से गर्म भी होते हैं। ठीक है, यही कारण है कि चांदी और सोना के तार में विद्युत शक्ति द्वारा हम ह्रास अधिक होती है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगे भी होते हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम सबसे सस्ता और हल्का है, किंतु इनमें लचीलापन कम होने के कारण यह बार बार मुड़ने पर यह टूट जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग एल्युमिनियम है ना, इसलिए हम लोग सबसे सस्ता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मटेरियल पाए जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।